पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और सांसद करुणा शुक्ला ने आरोप लगाया है भाजपा पर। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी चुनावी वैतरणी को पार लगाना चाहती है इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है तो उनके आदर्शों पर चले। हमारे संवाददाता धनवीर जायसवाल ने करुणा शुक्ला से खास बात भी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन, जो मेरे चाचा थे, हमारी व्यक्तिगत और हमारी पारिवारिक क्षति है, देश की क्षति के साथ साथ। पिछले 9 वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी जी को न मोदी जी ने, न अमित शाह जी ने, न रमन सिंह ने कभी याद किया। बहुत से राज्यों में इस बीच में चुनाव हुए, देश का भी चुनाव हुआ, न अटल जी के कहीं फोटो के बैनर पोस्टर दिखाई देते थे, न कहीं उनके किए गए कार्यों का उल्लेख होता था। पिछले 9 वर्षों से मैं लगातार इस पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही हूं कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और रमन सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व को भूल गए और 9 साल में कहीं रमन ने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया, और आज उनके देहावसान के बाद जिस तरह से उनके अस्थि कलशों को लेकर चुनाव की बैतरणी पार करने की रमन सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाई है, उससे मैं बहुत क्षुब्ध और दुखी हूँ। और ताबड़तोड़ घोषणाएं, ये घोषणाएं पहले हो सकती थी, अगर इनके पास संस्कार होते, अटल जी के प्रति इनके मन में सम्मान होता, तो निश्चित रूप से ये घोषणाएं पहले कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बदल गया है। जिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने दिल्ली की पूरी कैबिनेट के साथ 5 किलोमीटर यात्रा की, उनकी शव यात्रा में वो शामिल हो और पैदल चले, उनसे आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अटल के बताए मार्गों पर, उनके आदर्शों पर शायद 2 कदम वो चल लें तो देश का भला हो जाएगा। अटल के नाम पर काम का पार करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं चारों राज्यों में, वो जनता इसको समझ रही है और जनता निश्चित रूप से इसका बदला लेगी। छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो नाम बदलने के फैसले हों या फिर अस्थि कलश की यात्रा, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, सत्ता का लालच। देखिए, इन्होंने कभी मंदिर के नाम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की, कभी इन्होंने किसानों को झूठे वादे करके कि आपको धान का समर्थन मूल्य देंगे, बोनस देंगे, उससे सत्ता हासिल की, कभी राखी के त्योहार पर बहनों को ये कहा कि मैं आपको रक्षाबंधन का उपहार दे रहा हूं और लाखों की संख्या में राशन कार्ड बना दिए, और जैसे ही सरकार बनी साल भर बाद वो बहनों के राशन कार्ड से नाम सारे काट दिए गए। तो ये इनका एक राजनीतिक हथकंडा है जो ये हमेशा अपनाते हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके बताए मार्गों पर चलें। सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी जब माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जैसे वयोवृद्ध नेता का अपमान करना छोड़ दें। डॉक्टर रमन सिंह, अगर उनको सच में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जितने रमन सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं, ईमानदारी से उनकी जांच कराएं। और अटल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए मार्गों पर